ये पौन नंबर वाला भाई क्या नाम है? जिग्नेश भाई, मतलब आपका दावा है कि 5 दिन ये कोई शिविर करे और शुगर से छुटकारा पाए, यही ना? ऐसा भी होता है, 3 दिन में भी चला जा सकता है और ज्यादा इंप्यूरिटी से टॉक्सिक है तो 3 महीने भी लगते हैं। अच्छा, हाँ जी। नहीं मतलब 3 दिन में परमानेंट चला जाता है या कुछ दिनों के लिए? वो अभी आहार ऐसे ही रखेंगे तो फिर आने वाला नहीं, फिर आने वाला। अच्छा, तो ये खैर बड़ी अच्छी बात है। और कोई किसी का, चलो हम ये देखना चाहते हैं शिविर में किस किस को क्या बात पहुंचा। फिर उसके बाद अगर समझो डायबिटीज का भी यहाँ टेस्ट में 4-5 का निकल आता है, जी बिल्कुल ठीक हो गया, आगे फिर उनको फॉलो भी करेंगे, फिर उसके बाद हम उनका इवन नाम मेंशन करेंगे। इन 5 व्यक्तियों से पूछ लीजिए कि इनका परमानेंटली खत्म हो गया, केवल 4-5 दिन के। फिर हो सकता है अगली बार हम सारे डायबिटीज वालों को बुलाएं। अशोक सुभाष भाई के पास तो डिस्पेंसरी में आते रहते हैं, फिर नोट करते जाएंगे, रजिस्टर करके फिर उसका। और इससे बड़ी क्या बात हो, हमारी शामली वाली बहन जी को पता नहीं कितने साल, 10-15 साल से वो डायबिटीज के। इवन हमारे सुभाष भाई को भी डायबिटीज है ना, सुभाष भाई जी? हाँ, ठीक हो गए हैं? अब तो ठीक हो गए भाई सर, इसी शिविर से। हाँ, अच्छा, ताली बजाओ, हमारा डॉक्टर ही ठीक हो गया तो बाकी क्या चाहिए। तभी कल आके मुझे कह रहा था सुभाष भाई खड़ा में परिवर्तन करना पड़ेगा, इस समझ में आते। तो ये मतलब एक अच्छी चीज लगी हमें, फायदा हो लोगों को, रोग मुक्त सतयुग में तो बाबा बनाएगा ही, लेकिन यहाँ पे आज की डेट में किसी को रोग मुक्त हो जाए बहुत दुआएं देता है व्यक्ति जो है ना। एक तो डायबिटीज से छुटकारा विद इन 4-5 डेज आपने काफी लोगों के देखा, और किस चीज से देखा, और कौन सी चीज का छुटकारा देखा? जो बीमारियां बाय बोन है वो जाने में दिक्कत आती है, बाकी कोई भी बीमारी ले लो, कोई भी, ऐसी एक भी बीमारी नहीं है जो इस सिस्टम से नहीं जाती। एक टाइम मेरी खांसी तो जा नहीं रही 4 दिन से, ये तो पुराना खांसी का है भाई मरीज, लेकिन मेरे को तो NDS के आते ही प्रारंभ हो गई है, आज तक कभी नहीं हुई इतने सालों में। अंदर दबी हुई है ना, वो भी निकलेगी, हीलिंग क्राइसिस भी तो आई है। जी जी, हीलिंग क्राइसिस कभी कभी लंबे समय तक रहते हैं, हीलिंग क्राइसिस कभी कभी लंबे समय तक भी रहता है। हाँ, मैं परवाह नहीं करता, कल भी 1 घंटा वहां स्पीच करके आया, करना ही था। जिन्होंने कार्ड छुपा रखे, पर्चे छुपा रखे, नाम दिया हुआ है तीनों स्पीकर, लेकिन फिर भी ये वायु है ना, वो वायु ऊपर को आ रही है। अच्छा, और कोई ऐसी चीज जैसे आपने इसका तो बताया 700-800 पेशेंट आप उनकी दूर कर चुके जी, इस जरिए से? वेरी गुड, ये तो भाई ताली बजाओ, बहुत बड़ा कार्य किया है। और 7-8 कैंसर के पेशेंट ठीक करते हैं ऐसे ना? कैंसर के पेशेंट को कितने दिन में जाके आता है रिलीफ? जनरली 6 महीने पकड़ के चलना पड़ता है, लेकिन मेरे पास ऐसे 3 पेशेंट ऐसे थे जो 1 महीने में क्लियर हो गए थे, 1 महीने में ही। तो पूरा 8-10-12 घंटे तक निर्जला फास्टिंग करते थे, एनीमा सुबह दोपहर शाम, और बीच में फिर टाइम मिले तो मैक्सिमम एनीमा, और पूरे दिन रसाहार पे, अगर भूख लगे तो थोड़ा सा आधा गिलास कोई रस पी लिया, सलाद या जूस का, उसका फ्रूट्स का। तो 3 पेशेंट का कैंसर कितने दिन में चला गया? वो 28 दिन में गया था। अच्छा, हाँ जी, टेस्ट कराया, 9 सिम्टम, वो रिपोर्ट लेके आते हैं। अच्छा, तो रिपोर्ट हमने व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। अच्छा, रूबरू मिलने के लिए आते हैं। वाह, तो ये सारे एविडेंस हम चैनल पर हमारे रखेंगे। ताली बजाओ, तभी वो लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे रूम में भी है एक लेजर।
तो मेरा हाथ में दर्द कम है, कम हो रहा है। हाँ वाह, निर्जला पे है वो। लेकिन सर निर्जला का तो सुना है कैंसर का बेस्ट ट्रीटमेंट है निर्जला। अच्छा, तो हार्ट का भी इससे कुछ ठीक होता है? हार्ट का भी सारे पेशेंट जो हैं 90% तक उनकी नलियां बंद थी, ऑपरेशन करवाने के लिए वो रेडी थे। अच्छा, तो उनके ऑपरेशन बंद हुए और सीढ़ियां एक माले चढ़ नहीं पा रहे थे, वो साथ में मंजिल तक भी पहुंच जाते। ऐसे हमारे कंसल्टिंग में काफी सारे ठीक हुए हैं। अच्छा, 20-25 हार्ट के पेशेंट भी? जी अवश्य। वाह, ताली बजाओ। ये तीन बीमारियों को बड़ी है, तो एक कैंसर तो सबसे, कैंसर जब किसी का अनाउंस होता है ना, ऐसे लगता है महाकाल का बुलावा आ गया, उसे दिन ही उसका आधा मुंह हो जाता है और बोरी बिस्तरा तो गोल कर लेता है, अब पता नहीं कब बुलावा आ जाए। नहीं, और सेकंड नंबर पे फिर ये हार्ट का है, थर्ड ये डायबिटीज है, और कैंसर से भी खतरनाक है आर्थराइटिस। वो क्या होता है? अच्छा, ये मेजोरिटी को है, जोड़ों का, जिसमें उंगलियां पैरों की हाथों की टेढ़ी हो जाती है और कंटिन्यूसली पेन होता रहता है जोड़ों में, सभी जॉइंट्स जो भी हैं शरीर के, उसमें जो दर्द घुस जाता है तो वो 6 महीने तो कम से कम दूर होने में लगा देता है, लेकिन 3-4 दिन में वो रिलैक्सेशन फील। इधर आ जाओ आप, उसकी वीडियो बेचारी को बनाने में मुश्किल लग रही है। सामने इनसे थोड़ा हमें फायदा ये भी है कि ये बाबा के बच्चे भी हैं, रेगुलर क्लास भी करते हैं, मुरली भी सुन। कितने समय से मुरली रोज सुनते हैं? 17 साल। और ये कुमारियां कब से सुनती हैं दोनों? 4 साल। आप? मैं भी 5 साल। 4-4। और कृष्णा? मैं 15 साल। इन्हीं के साथ दोनों? 5 साल। वेरी गुड। तो अर्थराइट मतलब घुटनों में दर्द? घुटनों में दर्द हो, जहाँ भी ज्वाइंट्स हैं वो सारे ज्वाइंट्स उनमें दुखते हैं आर्थराइटिस का, वो कमर का ज्वाइंट्स हो, गर्दन का हो, उंगलियों का हो। चलो एक दे दो इनको बीमारी, माइक ये दे दो मेरे को, दूसरा दे। अच्छा, और जो नहीं, मेरा मतलब ये जो दर्द होता है घुटनों का, ये होता है वेट के कारण? नहीं, वेट के कारण नहीं होता। हाँ, कई लोग 90 kg के हैं फिर भी एकदम दौड़ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, तो वेट रीजन नहीं है उनका। अच्छा, तो घुटनों के दर्द का रीजन है, जो भी दर्द है वहाँ गैस है, जहाँ दर्द है वहाँ गैस है, वायु गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। जी, गैस और एसिडिटी दोनों अलग है। अच्छा, हाँ जी, वायु का प्रकोप है दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अच्छा, इस पैथी को अपनाने से 1 महीने में कितना वेट लॉस हो जाता है? हम कितना करना चाहते हैं? 15 kg तक भी हो सकता है एक महीने में। एक महीने में कोई कोई 1.5 या 2 kg कम करते हैं, थोड़ा थोड़ा एनिमल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डाइट करते हैं। मैंने अपना वजन 2 महीने में 22 kg लॉस किया था जब ये सिस्टम स्टार्ट की थी तब। जी। तो अब तीव्रता आपकी कैसी है, डेडिकेशन कितना है उस हिसाब से, लेकिन कम से कम नहीं जाएगा तो भी 5 kg तो अवश्य ही जाएगा। अच्छे तरीके से एनिमा करते रहेंगे और एक टाइम अगर वो आप पका हुआ भोजन शाम को लेंगे चबा चबा कर एकदम आराम से, तो भी 4 या 5 kg तो कम होने ही वाला है। अच्छा, तो अभी 5 दिनों में अब तो टोटली आप पक लिया, तो अब जो है अब कितना? 2 kg हम आशा रख सकते हैं। अच्छा, सभी भाई पमेश करना अपने। 2 kg कम हुआ है, ये हमारे 11 करोड़ में निकल आए। ताली बजाओ। ये तो कमाल हो गई, 3-4 दिन क्या होता है? और चेक करने के लिए आपको पहले
दूसरी बात ये जो है ये तो अच्छी चीज हो गई, फिर वेट लॉस हो जाए। वेट लॉस के लिए कितनी मेहनत करो, 4 किलो कह रहे हैं, 4 किलो तो लगता है 4 महीना तो एक्सरसाइज की जरूरत। अच्छा ये बताओ, ये रात को लड्डू बना के दिए, ऐसी जान तो मिलती रहे मौज में, ये क्या था, ये कैसे बनाया? और आप पक्के भी कह रहे हो इधर लड्डू नहीं थे, पक्के हुए नहीं, बहुत अच्छी चीज है, अनाज भी नहीं, अनाज भी नहीं था। सुमन बहन जी सीख लो, आगे हमें ऐसे लड्डू बहुत है और फायदेमंद भी बहुत है। आप माताओं ने सीख लिया यही लगाते रहते हैं, और इसी का भोग कराओ, इसी को हाँ बेस्ट है, ये तो सबको पसंद भी बहुत आया। सब्जी की टेस्टी आइटम भी है, टेस्टी भी जरूर। कल रात को आया मैं, कह रहे वाह आम लड्डू दे दिया, खत्म कर दिया क्या इन्होंने, ना इसमें कोई घी होता ना ड्राई फ्रूट और सॉल्ट, अच्छी चीज थी वो। कृष्णा मैम सामने बताएं, इसमें तिल का पाउडर, थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर और थोड़ा सा बादाम का पाउडर डाला था, और मीठापन के लिए गुड़, गुड़ का पाउडर और थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर और थोड़ा सौंठ का पाउडर डाला था, और बाद में नारियल के बुरादे। सबसे ज्यादा तो सम्मानित करना चाहिए उनको जो मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है कृष्णा बहन, और ये छोटी कितना मेहनत करती है सारा। ये देखो ये छोटी सी है, खाती कुछ नहीं है, इधर दिखाओ ऊपर ऊपर इधर। थोड़ा सा बताओ कैसे ज्ञान में चले, पहले आप सुनाओ फिर ये, क्योंकि अब ज्ञान का भी अनुभव सुने, उसके बाद ज्वाइंट पेन भी बता देना। दूसरी बात ये बताओ, हम कभी एक साप्ताहिक भट्टी रखेंगे, वो होगी भट्टी एंड देट विल बी रिजर्व ओनली फॉर बीके धारण वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे नियम आप जानते हैं, सारा कुछ स्नान आदि वो सब, तो हाँ एक मिनट, तो अगर हम एक हफ्ते की भट्टी रखें, खासकर आप चारों का ग्रुप जो ज्ञान में चलते हैं, आप दे देंगे टाइम? अवश्य। वैसे तो एक बार आप मेरे साथ मीटिंग करो, आपने तो कल कहा था कि हम परमानेंटली देने को तैयार है ना, तो हम थोड़ा पता नहीं वो हंसी में कहा था या सच में दे सकते हैं, तो वो भी हम MOU साइन कर देते हैं, हमारे को सारे हाँ मतलब इतने रोगी पेशेंट आते हैं उनको भी ठीक करेंगे, बाबा के बच्चे भी फर्स्ट क्लास, और आज हमारी कितनी बहने इस भोजन प्रणाली ठीक ना लेने कारण भुगत रहे, सबको हम यहाँ बुलाएंगे फिर नंबर वार सीनियर बड़ी बहनों को, और आश्रम में सब खुशी से आ जाएंगी प्यार से, और पहले उन्हीं का लेंगे जॉन हेड सेट सारियों को, कि जिनको डायबिटीज है जिन्हें आओ 5 दिन में गारंटी आपका ना खत्म हो, दौड़े आएंगे सब यहाँ, पर केवल आप चारों का सहयोग चाहिए मुझे, हम देने के लिए तैयार है, और मुझे ये भी यकीन है कि 6 महीना या साल तक गाइडेंस आगे हमें लीडरशिप करनी पड़ेगी, और बाद में तो मास्टर आप अवश्य बन जाएंगे, हमें टाइम नहीं रहता भाई जी। आज शाम को जा रहा हूँ मधुबन, यहाँ शिविर होगा मेरे कई तरफ होंगे, मेरे को तो आप चारों चाहिए, मैं प्लान करने और हाँ हमारे सर्कुलर से आएंगे सब, पर यहाँ पर काम करने वाले आप चाहिए, हाँ बाकी मास्टर हमारे और भले तैयार हो जाए, उधर राजेश है सुभाष है ये सारे सुरेंद्र जी हैं, कम से कम एक साल लगेगा उनको, हाँ एक साल में वो भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, और फिर भी और बहुत कार्य होते हैं, पर आप जैसे बहुत अच्छी टीम है आपकी बनाने में भी ये करने में भी, पर एक का भी पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने पानीपत सर्कल की, जो इंटरेस्टेड होंगे 7 दिन की भट्टी रखेंगे, पर डाइट ये रहेगी और डाइट में सबको बुलाएंगे, आप बहने सक्षम हो ये डाइट बनाने में जो दे रहे बिमला माता है आपको,
ये मानता हूँ कि माताएं हर काम में हमें बहुत सहयोग देती है। 19-20 का फर्क पड़ सकता है, काफी हद तक सीख गए। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया। लिख लेंगे ना जो जो नहीं। ठीक है कृष्ण, मैं इनको सर्टिफिकेट देती हूँ सब तरीके। ठीक है चलो, अब आप ज्ञान का अनुभव आप सुनाओ, फिर कृष्ण मैं से सुनते। बाबा का ज्ञान मिलना, बाबा का बनना, ये तो पूरे संगम युग में और पूरे एक कल्प में सबसे बेहतर भाग्य की निशानी है। तो जब हम दुखी होते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, परेशानी से घिर जाते हैं, उसमें अक्सर परमात्मा की याद हमें बहुत आती है। तो बचपन से स्वाध्याय प्रवृत्ति जानते होंगे पांडुरंग शास्त्री की, जी की, उसमें हमारी माता जी उसमें जाती थी पहले। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो कुछ खोज अंदर से शुरू थी, तो सन्यास धर्म में भी हम गए, वहाँ स्वामी विवेकानंद आश्रम, तो वहाँ भी सन्यास लिया। बाकी पढ़ाई लिखाई जो भी आध्यात्मिक गुरु लोग हैं उनकी पढ़ा करते थे, अध्ययन करते रहते थे। फिर भी जीवन में वो जो भाषना है, परमात्मा अनुभूति है, वो कहां से भी हम फील नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में जीवन की यात्रा करते करते 24-25 साल में ऐसा कुछ अनुभूति नहीं हुई जो कुछ पा लिए हम, और उल्टी दिशा में चल पड़े थे। और दुख, अशांति और जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए जीवन में वो कुछ नहीं था, तो अंदर से बहुत काफी डिस्टर्ब हो चुके थे कि अभी कुछ पा तो नहीं रहे हैं। जो परमात्मा की खोज थी, दौड़ी थी, वो दौड़ी तो काफी लगा ली। और कहा जाता है कि छोटा बच्चा अपनी माँ को ढूंढने लगता है ना, तो माँ कहाँ भी नजर नहीं आती है। और फिर अचानक थक कर, हार कर बैठ जाता है, रोने लगता है, तो माँ सामने से आ जाती है। तो इस प्रकार से मैं भी बहुत 25 साल मेरे हुए थे ज्ञान में, जब चला 25 साल हुए थे मेरे, तो 25 साल में मैं थक कर, हार कर बैठ गया, रोने लगा कि भगवान भगवान कहते हैं लेकिन भगवान है कहीं नहीं। और थक कर चूर चूर होकर बैठा, तब मुझे ये बाबा का ज्ञान मिला। अपने पड़ोसी एक बुजुर्ग थे, वो बोले कि आप 7 डे कोर्स करो। तो मैं तो टीचर था, सब एजुकेशन फील्ड में था, तो मैं अपना सेल्फ ईगो होता है, तो मुझे ये टाइम नहीं रहता, मैं बहुत बिजी व्यस्त रहता हूँ, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल को संभालना, ये सब मुझसे नहीं होगा। तो सैटरडे एक एक दिन एक एक कोर्स उठाया, और 7 सैटरडे लगे मेरे को 7 कोर्स उठाने में। और वहाँ सेंटर पे पैर रखते ही जो बहनों का प्यार मिला, उनकी जो अनुभूतियाँ, जो वाइब्रेशंस और प्यार था ना, वो सही में बाबा का प्यार उनके माध्यम से मिल रहा है, वो एक एक लम्हा फील करने लगा। आज उनके पूरे 17 साल हो गए हैं, लेकिन तब मैंने संकल्प कर लिया कि अब जीना भी इनके संग, मरना भी इनके संग है। कभी भी हाथ बाबा का छोड़ने का संकल्प ही नहीं आया 17 साल। इसीलिए तो हमने ज्ञान मानसरोवर में ऑफर किया आपको। हाँ, इसीलिए किया क्योंकि आपका संकल्प है जीना भी यहाँ है, मरना भी है। तो हर सेंटर से ऑफर नहीं मिलेगा, हमने दे दिया आपको ऑफर। आप इधर कृष्णा बहन जी को, हम सब तो कृष्णपुरी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये पहली कृष्णा बहन है। ओम शांति, ओम शांति। मेरे शरीर का नाम आप सबको पता है, कृष्णा है। और आज तक हमने द्वापर से लेके भक्ति मार्ग में दर दर भटके हैं हम, तो हमें तो स्वयं भगवान जिसको हम खोजते हैं वही हमें मिल गए। तो लौकिक में मेरी दादी, मेरी पापा की माँ जो है, वो ज्ञान में चलती थी। तो
वो जब मुरली कभी कभार घर पे ले आती थी तो वो मुझे बोलती थी, उसको भी पढ़ाई आती थी पढ़ने की, पर वो मुझे बोलती थी कि ये जो मुरली है वो मुझे पढ़ के सुनाओ। तब मैं मुरली पढ़ के उसको सुनाती थी, पर मैं समझा नहीं सकती थी क्योंकि कुछ समझ नहीं आता था। फिर मेरे पापा मेरी दादी बोली कि मेरे पापा को भी आप भी सेंटर पे आओ कभी कभार। तो वो मेरे पापा भी सेंटर पे गए और फिर 7 डेज कोर्स किया मेरे मम्मी और पापा ने, तो दोनों ज्ञान में चलने लगे और फिर मुझे भी बोला कि आप भी सेंटर पे आओ। तो तब से मैंने 7 डेज कोर्स किया और फिर मैं लगातार मुरली में भी जाने लगी, फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो इसी तरह से मुझे बाबा का ज्ञान सहज ही मिल गया। और फिर थोड़ी सी ऐसा घर में माहौल ऐसा हो गया, पर मुझे लगा था कि मैं तो ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, पर माहौल ऐसा था, मेरे लौकिक दादा भी बोलने लगे कि ऐसा तो कुछ नहीं है, वो ये कुमारी बनना ऐसा नहीं है। फिर सेंटर पे जाने लगी थी, फिर इनसे मिली तो ये दूसरे सेंटर पर जाते थे, फिर इनके मम्मी पापा और हमारे ये संबंधी थे हम आपस में, तो फिर शादी का सोचा। तो फिर जो बाबा कहते हैं ना कि हमने तो एक सेवा ही करनी थी बस, तो साथ में रहना है बस और सेवा करनी है बाबा की, जो भी कुछ हो जाए बाबा को कभी भी हमें छोड़ना नहीं है। नहीं है, पहले से ही ज्ञान में थे जो बाबा गंधर्वियों को याद करते हैं। कर्मचारी पहले दिन से ही पवित्र रह रहे हैं शादी के फर्स्ट डे से, बहुत अच्छी बात है, वंडरफुल। एक शिवानी बहन है वो बाल ब्रह्मचारी युगल है, एक ये कपल है, देखो कितना सेवा कर रहे। और हमारी जो दोनों बहनें हैं वहाँ बोखीरा सेंटर पे, इसकी उन्होंने भी हमने इतनी पालना दी कि आज 15 साल हो गए हम ऐसे ही अपना जीवन बिता रहे हैं, तो उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 17 साल आपको 15 दोनों इकट्ठे के हमने नहीं चले, पर मुझे पता लगा कि इकट्ठी 2 साल के बाद हुआ। हाँ 2 साल के बाद, ज्ञान में तो चल रहे थे, ज्ञान में चल रहे थे पर 2 साल के बाद। राइट। और थोड़ा सा मैं अपना न्यू डाइट सिस्टम का भी अनुभव सुनाऊंगी। हाँ तो न्यू डाइट सिस्टम जब इन्होंने शुरू किया तो मैंने 15 दिन के बाद शुरू किया। मैंने इसको बोला कि आपको करना है तो करो, मुझे तो नहीं करना, क्योंकि सुबह की चाय छोड़ना, नाश्ता वगैरह कुछ छोड़ना, ये मेरे से तो नहीं होगा। फिर इनमें मैंने सारे काफी सारे इसमें बदलाव देखे, तो मैंने 15 दिन में ही सब न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया। और मेरा मुझे अस्थमा था 20 साल पुराना, तो अस्थमा बिल्कुल क्योर हो गया और स्किन का जो प्रॉब्लम था वो भी बिल्कुल क्योर हो गया। इससे मैंने ये 1 साल लगा मुझे पूरा क्योर होने में, क्योंकि पुराना जो अस्थमा है और मुझे इतनी ठंड में यहाँ रहना वो मेरे लिए एक कमाल की बात है। और बंदर तो समुद्र के नारे है ना। बिल्कुल, चलो भाई थैंक यू। 2 मिनट बाबा को याद करो। भाई जी को जरा जॉइंट पेन के बारे में बताने दीजिए। जॉइंट पेन आर्थ पेन, क्योंकि हम सब लोग में सब ट्राई घुटनों का दर्द होता किससे है वो जान लेना जरूरी है, शॉर्ट में बताऊंगा, अब ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो जो हम दाल और अनाज खाते हैं, अनाज और दालें जो बिल्कुल पक्षियों का भोजन है, मनुष्य का भोजन बिल्कुल नहीं है। आप अपने डाइट से दाल और अनाज दूर रखेंगे तो आप मतलब चावल और गेहूं जी और दालें, किसी भी प्रकार की दाल नहीं खानी जी, नहीं खाएं, चाहे वो राजमा की हो चाहे दूसरी कोई भी। तो खाएं क्या फिर? नहीं खाएं क्या? अर्थराइटिस। जो हम फल सलाद सब्जियों से 500 आइटम बनाते हैं, कितनी 500 आइटम बनाते हैं, जूस 700 प्रकार की वैरायटी के जूस हैं ओनली। तो ऑप्शन है, जब जहाँ चाह वहाँ रहा। जब हमें एक थी तरफ, वो नेपोलियन था ना, वो जिस मार्ग से गुजर रहा वो पुल उड़ा देता था, क्योंकि रिटर्न जाने का संकल्प ही ना आए। तो जो चीज नहीं लेनी है
मतलब वहां से नाता तोड़ ही देना है, किनारा कर लेना है। तो आर्थराइटिस अगर बीच बीच में रात में पका हुआ खाते रहेंगे ना, तो आर्थराइटिस जिंदगी भर नहीं जाने वाला, न्यू डाइट सिस्टम चाहे फॉलो करते रहे। इसलिए आर्थराइटिस वालों को घुटनों का दर्द है, आप 3 दिन सिर्फ द्राक्ष का जूस पीजिए, ग्रेप्स का, अंगूर का, या फिर पाइनएप्पल का पीजिए, या फिर लेमन जूस पीजिए, या फिर चीकू का जूस पेस्टी करके सिंगल जूस 3-4 दिन कंटिन्यूसली पीजिए, डब्बे वाला ना, डिब्बे वाला नहीं, और एनिमा करते रहिए। 4th दिन मेरे पास आर्थराइटिस वाले आते हैं ना, तो ये राइट से लेफ्ट तक सोते सोते नहीं हो पाते थे, ऐसे पेशेंट पैर नहीं रख पाते थे जमीन पे। उसको मैं चैलेंज देता हूं कि आप 3 दिन कर दीजिए, वो पलाठी मार के बैठ सकते हैं नीचे और खड़े भी हो सकते हैं। कितने पेशेंट देखे हैं ऐसे? आर्थराइटिस वाले कम से कम 50 के आसपास होंगे, जो बिल्कुल हालत एकदम बदतर से बदतर, और कहते थे डिप्रेशन, हेवी डिप्रेशन में आ गए हुए होते हैं। वो कहते हैं कि भाई जी अब मुझे मर जाना है, और वहां हमारे हेल्थ सेंटर पे आते हैं ना, तो पहले तो रोने से शुरुआत करते हैं, और उनके वीडियो हमने जो आप यूट्यूब के ऊपर हमें देखेंगे ना आप, तो दिल से बोलते हैं कि इतने दुआएं मिलती है ना, तो हम भर जाते हैं कि भाई अभी हमें जो कुछ मिला है ना, अब मिल गया इससे। हाँ, तो आर्थराइटिस आपका जाएगा ही जाएगा। मैं तजुर्बे, परसों भी एक माता दिल्ली से आई और आंसू निकल रहे थे वो जी चौहान साहब के सामने लगातार। वो कह लगे नहीं मेरे तो भगवान ही आप हैं जिन्होंने मेरे इतना जिंदगी, उसके युगल को भी अपने लेके आई। वो युगल आए हैं उठा जी? अच्छा आए अभी यही है ना वो? हाँ मतलब देखो जबरदस्ती छोड़ के गई है, युगल का भक्त नहीं है, वो जबरदस्ती से पटकना होता है ना। आप ये देखो क्या है, यही रहो तुम। और वो इतनी डेडिकेटेड है ना, वहाँ फ्री फ्री में दिल्ली में सबको बांटती है जूसेस, ये वो पार्क में जा जाती है। तो वो उसको मतलब न्यू लाइफ मिली है सच में, वो इतनी खुश थी। एनडीएस, एनडीएस मींस न्यू डाइट सिस्टम नहीं, सेवा कितनी, नए दिन की शुरुआत। एनडीएस नए दिन की शुरुआत, न्यू डे स्टार्ट। हाँ, न्यू डे स्टार्ट। हाँ जी, तो ये उलझने भी आएंगी, ये भी कहूंगा कोई दर्द में उभर आएगा ना, तो आप झेल नहीं पाए ऐसी कुछ सिचुएशन किसी किसी को बनती है, तो वहाँ उनकी परीक्षा होती है कि वो कितने अचल है। मेरे को 25-30 साल से हल्का मतलब जुकाम नजला रहता है जी जी, ये वही तो नहीं है खत्म होने जा रहा है, इसलिए निकल रहा है। हाँ वही वही होता है, इससे क्यों चालू हो गया इसका मतलब, हाँ बीमारी निकल रही, निकल रही। हाँ अब आ गई समझ में, जूस पी रहे हैं वो रात को एक टाइम अपक वो भोजन लें तो अच्छा रहेगा, और किसी किसी को ज्यादा बीमारी नहीं है और पका हुआ भोजन लेना चाहे तो बहुत क्राइटेरिया में ले। पका हुआ भोजन हमारे लिए है नहीं, आध्यात्मिक यात्रा जो ऊंची ले जानी है ना, तो अपक हुआ के ऊपर 1 साल में पूरा आ जाना है। आज जो भी पथिया थेरापी है उसमें कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है, और हमारी जो एनडीएस है वो पथी थेरापी ट्रीटमेंट बेस के ऊपर नहीं है। आपको अपना शरीर से गंदगी निकाल देनी है और सही भोजन खाना है जो अपक्व है, सन कुक्ड है, ऐसा। थैंक यू, ओम शांति। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना।